कालाम ट्रिप के दूसरे दिन हमने महोडंड जाने का प्लान बनाया। महोडंड झील कालाम से तकरीबन 3 घंटे के फासले पर है। उशु जंगल से होते हुए हम बजरिया उशु गांव महोडंड के लिए रवाना हुए। उशु के बाद सबसे पहले मटिलतान गांव आता है। मटिलतान से थोड़ा सा आगे जाने के बाद सबसे पहले एक खूबसूरत आबशार आता है। महोडंड जाने वाले तमाम टूरिस्ट यहां आकर थोड़ी देर स्टे करते हैं। आबशार में तकरीबन 30 मिनट गुजारने के बाद हम दोबारा महोडंड के लिए रवाना हुए। रास्ते में और भी खूबसूरत आबशारों ने हमारा इस्तकबाल किया। तकरीबन 3 घंटे के थका देने वाले सफर के बाद आखिरकार हम महोडंड झील पहुंच गए। महोडंड में छोटे छोटे होटल बने हुए हैं। यहाँ पर आपको ट्राउट फिश के साथ और भी लजीज खाने मिल जाते हैं। महोडंड झील में तकरीबन 3 घंटे गुजारने के बाद हम 4 बजे कालाम के लिए वापस रवाना हुए। तकरीबन 2.5 घंटे के सफर के बाद हम वापस कालाम बाजार पहुंच गए। महोडंड से वापस पहुंचने के बाद हम थोड़ी देर दरियाए कालाम के किनारे बैठे और अगले दिन की प्लानिंग की। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।